अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप कैसे हो आप सब। मैं आपका सीओ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तरामा सेंटर में अप्लाई कैसे करें। तो वीडियो को एंड पर देखना, मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तरामा सेंटर में जो जॉब्स आई हैं, आईटी हो या स्टाफ नर्स हो, उसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं और मैं वो वेबसाइट सर्च करूंगा, SMBP तरामा सेंटर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची, जो ना तरामा सेंटर है उसमें मैंने क्लिक किया है। सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट को जो ना लिखा है ना, SMBBT तरामा सेंटर। उसके बाद एक स्क्रीन आएगी, स्क्रीन में जब आप इसको क्लिक करेंगे, गूगल पे जाकर लिखेंगे, तो ये 2 मिनट या 1 मिनट लगता है इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद। इसके बाद आपको केयर को जो ना करियर लिखा हुआ है ना, उसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन देखेंगे जहाँ पर जो ना एप्लीकेशन कैसे देनी है, अप्लाई कैसे करना है, वो सारा कुछ जो ना लिखा होगा। ओके दोस्तों, करियर को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। जब आप स्क्रीन आएगी तो 3 स्टेप भी आप देख सकते हैं, अपना NIC लगाएंगे और पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट को सेलेक्ट करेंगे और अपना जो ना पिक्चर से वो भी इसमें अपलोड करनी है, बायोडाटा अपलोड करनी है, कौन सी जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जॉब्स आई हैं, स्पेशली ये वीडियो IT असिस्टेंट के लिए है। जो अप्लाई करना चाहें, इसका कोई भी चालान नहीं है, फ्री में है। तो एक आपको SMS आएगा तरामा सेंटर की तरफ से, कराची की तरफ से। आप टेस्ट देंगे, इंटरव्यू के बाद आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। तो आप मुख्तलिफ जॉब्स देख सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट के बाद आपको ना जो नंबर आएगा उसको अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, क्योंकि यही नंबर आपको काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।